कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगवस्त्व कर्मणि। कहा गया है मनुष्य तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है उसके फल में नहीं, फल प्राप्ति के लिए फल की ओर फल के लोभ में कर्म को मत करो। साधारण दृष्टि से इस वस्तु में असंगति रह गई है, अंततः एक बड़े परिमाण में एक मनस्तात्विक त्रुटि रह गई है। अंततः कृष्ण जैसे इतने बड़े विराट व्यक्तित्व मनस्तात्विक त्रुटि करेंगे, ऐसा कोई उपदेश देंगे इसे सोचा भी नहीं जा सकता, तब यह सत्य है। कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्म में तुम्हारा अधिकार है। कर्म माने क्या है? क्री धातु में मन प्रत्यय लगाकर कर्म शब्द बना है। क्री धातु का माने हुआ कुछ करो। तुम लोग जानते हो मन में जो शब्द जिस प्रकार की प्रतिक्रिया की सृष्टि करता है उसी के आधार पर क्रियापद बनता है और उस क्रियापद के आधार पर शब्द बनता है। यही साधारणतया नियम है। जैसे किसी एक वस्तु के रहने पर या किसी एक वस्तु की चलमानता के फलस्वरूप जैसे करकर शब्द होने पर लोग कहते हैं आंख करकर कर रही है, आंख में कोई बालू का कण पड़ गया है, इसे देखकर मन करकर कर रहा है। हम लोग उसी काल्पनिक मन में जिस प्रकार की तरंग उठ रही है उस तरंग का जो रूप देखते हैं उनके आधार पर शब्दों को बना डालते हैं, क्रिया के आधार पर शब्दों को बना लेते हैं। लाल रंग का जो स्पंदन उभर आया स्नायु के भीतर से होकर वह नेत्रों में आया, इसके पश्चात मन में स्पंदित हुआ। जो वस्तु स्पंदित होकर कांपती है उसकी ध्वनि है, रंग है। लाल रंग के कारण स्पंदन हो रहा है वह भी लाल रंग है, उसे तुम अपने नेत्रों से भी लाल देखते हो। मन के इस स्पंदन के फलस्वरूप तुम जो देखते हो उसे ही तुम लाल कहते हो। अब जो तुम्हारी दृष्टि में लाल है हो सकता है कि वह इस प्रकार का लाल ना हो, तथापि वह कहेगा लाल क्योंकि मन का यह स्पंदन इस प्रकार का ही है। तुम जिस रंग को देखकर कह रहे हो लाल वह एक विशेष प्रकार का रंग है और अन्य एक व्यक्ति उसी रंग को देखकर कह रहे हैं लाल। लाल रंग कहने पर तुम जो रंग देख रहे हो वह हो सकता है कि उस विशेष रंग को देख नहीं पा रहा है, वह हो सकता है कि अन्य कोई दूसरा रंग को देख रहा है। दोनों की दृष्टि में दो भिन्न भिन्न रंग हैं, इसके निकट भी भिन्न उसके निकट भी भिन्न। हो सकता है कि तुम्हारे दृष्टि में वह नीला रंग हो और उसकी दृष्टि में पीला। ऐसा भी हो सकता है तुम जानते हो अन्य कोई नहीं जानता है। तुम कहते समय जिस रंग को लाल कह रहे हो अन्य कोई उसे लाल कहते समय लाल देख नहीं पा रहा है, वह अन्य कुछ और देख रहा है किंतु कह रहा है लाल। अवश्य मैं कलर ब्लाइंड की बात नहीं कह रहा हूँ, स्वाभाविकता की बात कह रहा हूँ। लाल रंग देखकर मन में एक स्पंदन जग रहा है, इस स्पंदन का नाम तुम लाल दे रहे हो। तुम अपने नेत्रों से जो देख रहे हो उसी का नाम लाल दे रहे हो। प्रत्येक स्पंदन की ही ध्वनि है, मन के स्पंदन की भी ध्वनि है। उसे देखकर तुम्हारे मन में जो ध्वनि उभर रही है वह ध्वनि है। अग्नि टक टक लाल है क्योंकि वह ध्वनि थी टक 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 टक। सफेद देखकर तुम्हारे मन में जो रंग है उसे देखकर ही तुम कह रहे हो सफेद, और उसके स्पंदन के कारण ही अंतःकरण में लग रहा है कि एक शब्द आया है। वह शब्द है धब 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 धब, जिसे संस्कृत में धव जोर अल धवल शब्द बना है। धवल का माने हुआ सफेद, भोजपुरी में धौरी। धब 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 सफेद, टक टक लाल, इस तरह से शब्द बनते हैं। कोई आकाश से उड़कर आकर जुट नहीं गया है, सभी के पीछे एक सुविन्यस्त इतिहास रहता है। कर्म शब्द बना है क्री धातु से। क्री का माने जो स्थान परिवर्तन में उत्साहित करता हूँ। क्री धातु के आगे मन प्रत्यय जोड़कर कर्म शब्द बना है। मन प्रत्यय जोड़ देने पर माने हुआ एक विशेष रूप ग्रहण करना। अब क्री धातु का अर्थ है चला रहा है,
स्थान परिवर्तन कर रहा है। जो वस्तु किसी स्थान पर रुद्ध ना रहे, स्वयं में स्थितिशील ना रहे, वह भी तो अग्रसर होते जा रहा है। रविन्द्रनाथ ने कहा है, जिसे अंकित कर डाला, जो आंकने में आ जाए, उसकी भी चलमानता नष्ट नहीं होती। एक चलचित्र देखकर उसकी चलमानता अस्वीकृत नहीं की जा सकती। तुम यदि कहो कि वह रेखायित हुआ है, अंकित किया गया है, अतएव वह स्थितिशील है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो भाव निहित है वह तुम्हारे मन में आकर तुम्हारे मन को तरंगायित कर देता है। तरंग को तुम रोक कर नहीं रख सकते हो, किसी वस्तु को स्थिर कहकर घोषणा नहीं कर सकते हो। कहते हैं कि प्रलाप कहे कवि, नहे 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 सुदु छवि, के बले रे छे स्थिर, मरी मरी से ही सौंदर्य निभि जेतो यदि। सभी कुछ में चंचलता रहती है, सब कुछ मन के भाव के बीजाकार में रह ही जाता है। जो कार्य तुम कर रहे हो, उस कार्य में भी चलमानता है, उसे रूप देना होगा, एक खंड रूप, जो अनादि से अंत की ओर जा रहा है, उसको तुम पूर्ण रूप कैसे दोगे, क्योंकि पूर्ण रूप से उसे तो रूपायित कर नहीं पा रहे हो। एक तरफ अनादि, दूसरी तरफ अनंत, तब रेखा अटक रही है कहाँ? वह एक खंड अवस्था में अटक नहीं जा रही है, वहां पर कुछ घेर देने से वहां पर कुछ अंश तक घेर दिया, विशेष विशेष अंश को खंडीकृत रूप को घेर दिया। उस खंडीकृत अनंत काल प्रवाह में जो कर्म धारा आगे बढ़ते जा रही है अनादिकाल से अनंत की ओर, उसके एक विशेष प्रक्षेप को तुम एक सीमा में बांध सकते हो, और ऐसी अवस्था में क्री धातु के आगे मन प्रत्यय करके कर्म शब्द संपन्न हुआ है। काल प्रवाह के एक विशेष अंश को, खंड रूप को तुम पकड़े रहे हो, वही हुआ कर्म। कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल के ऊपर नहीं। तुम्हारा शरीर है प्राण शक्ति, उसकी सहायता से वस्तुओं के स्थानांतरण होते रहते हैं, इस स्थानांतरण को ही कर्म कहते हैं। अनंत काल प्रवाह का एक खंड, कर्म में तुम्हारे अधिकार अवश्य ही हैं। शरीर है, वाइटलिटी है, तुम्हारे हाथ पैर हैं, तुम्हारी चिंतन शक्ति है, तुम्हारा एक्टोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, तुम्हारा बहुत कुछ है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। एक स्थान पर रहकर ही तुम बहुत जगह जा सकते हो। तुम्हारा शरीर या मन बहुत कार्य कर सकता है, उनसे कार्य कराने का अधिकार अवश्य ही तुम्हारा है। तुम निष्कर्म होकर रह सकते हो, पी पू फीशु, यह सभी कुछ तुम हो जा सकते हो, यह सभी होना तुम्हारे वश में है। कहा गया है, कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। कर्म के साथ उसकी प्रतिक्रिया अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। कारण यह है कि वह रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड होगा ही, यह जो कर्म रंग है उसका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा ही, ये दोनों ही प्रतिक्रियाएं हैं। अतएव जहां पर तुमने कार्य किया, जिस प्रकार का कार्य किया, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया, उसी प्रकार का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होना ही होगा। किंतु वह जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड प्रतिकर्म है, वह तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। करने के लिए मनमानी किए हो, यही तो तुम्हारा अधिकार है। इसीलिए कहा जाता है कि फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, अधिकार रह ही नहीं रहा है। और जिस हेतु फल के ऊपर अधिकार रह ही नहीं रहा है, उस हेतु सोच समझ कर कार्य करोगे, कार्य करो, अच्छा कार्य करो, खूब अच्छा कार्य करो। एक बार कार्य करने के बाद उसके फल को तुम वापस नहीं ला सकते हो। इसी से सोच समझ कर कार्य करना होगा, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे वश का है। और कार्य करके यदि फल के लिए चिंतन करते रहो तो इसका कोई मतलब नहीं होता। स्मरण रखो, प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से ही, स्वाभाविक धर्म से ही आएगी। कर्तृत्व कर्म, कर्म फल। कर्म मनुष्य स्वयं करता है और उसका फल प्राकृतिक नियम से ही मिलता है, उसे प्रभु नहीं कर देते। इसी से मनुष्य विपत्ति में पड़ने पर ही कहता है,
नारायण यह तुमने क्या किया, यही तुम्हारे मन में था। किंतु नारायण ने कुछ भी नहीं किया, नारायण के मन में कुछ भी नहीं था। तुमने कुकर्म किया, उसी का फल भोग किया। अब विपत्ति में पड़कर चित्कार कर मर रहे हो। बहुत से लोग ही कहते रहते हैं नारायण कुछ भी नहीं करते, तुमने जैसा किया है वैसा ही फल भोग कर रहे हो। अस्पष्ट बात यही हुई। इसी से कुछ करने से पहले सोच समझ कर करोगे। कर्म में तुम्हारा हाथ है, कर्म फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह प्रकृति के हाथ में है। नारायण तो कर्म कर देते नहीं हैं, वे कर्म फल भी नहीं देते। प्रकृति को उसकी अपने स्वयं की परिधि में कार्य कर देने का अवसर प्रदान कर दे रहे हैं। प्रकृति तदनुयायी कर्तव्य किए जा रही है, वह तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं चल रही है, वह अन्य किसी के मन के माफिक नहीं चल रही है, वह केवल नारायण के मन माफिक चल रही है। नारायण ने उन्हें जहाँ तक कार्य करने का अधिकार दिया है वह केवल उतना ही कर रही है, उससे अधिक करने का अधिकार उन्हें भी नहीं है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, 8 अक्टूबर 1989 ईस्वी, कलिकाता।